राजधानी लखनऊ में मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए परिजनों को कोविड कमांड सेंटर के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ रहा है। लालबाग स्थित कोविड कमांड सेंटर में मरीजों को परिजन अपनी परेशानियां लेकर पहुंच रहे हैं। मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा है। अस्पताल में कोविड मरीजों को भर्ती कराने के लिए सीएमओ का लेटर अभी भी मांगा जा रहा है। एक परिजन का कहना है कि किसी भी अस्पताल में मेरी मां को भर्ती करने के लिए जगह नहीं है। परिजन अस्पताल में भर्ती के लिए गुहार लगा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में जगह नहीं है। वहीं अस्पताल में भर्ती न कराने के मामले पर लखनऊ सीएमओ ने साफ तौर से कहा कि अगर जो भी अस्पताल मरीजों को भर्ती नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिना रेफरल के किसी को भर्ती कर रहे हैं। आप किस किस अस्पताल में गए जहां आपको ये सब चीजें बताई गई? हम दो तीन हॉस्पिटल में गए थे, KGMU में गए थे, फिर राम मनोहर लोहिया में गए थे, फिर हमने प्राइवेट में भी मेदांता अपोलो में भी जाके पता करने की कोशिश की। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर राम प्यारे है, उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी है कि जो है ऑक्सीजन लेवल 71 पहुँच चुका है उनका। और मैं और लोग बंधु हॉस्पिटल गया था तो वहाँ पर कह रहे हैं कि जो है सीएमओ लेटर लिखवा के लाओ तब यहाँ पर एडमिट हम करेंगे। यहाँ जो निकलता है तो कहते हैं अभी कोई टाइम नहीं है, अभी हम अंदर काम कर रहे हैं, अभी कोई व्यवस्था नहीं है। और ये सिपाही और दीवान और दरोगा इंस्पेक्टर जो भी कहते हैं निकल जाओ, इधर बाहर खड़े हो, इधर कोई व्यवस्था नहीं है। जब बुलाते भी नहीं है कि पेशेंट जो है पेशेंट घर पे है, पेशेंट